नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का आंसर की आ चुका है, लेकिन आंसर की आने के इतने दिनों बाद भी अभी तक जो है उसके कट ऑफ का कोई भी अता पता नहीं है। और हर एक यूट्यूब पे आपको अलग अलग डेट बताई जा रही होगी, अलग अलग मंथ बताया जा रहा है कि आपका किस मंथ में जो है कट ऑफ निकलेगा और कब आपकी जो है फिजिकल प्रारंभ होगी। लेकिन दोस्तों जो बातें मैं करने वाला हूं एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में, ये बिल्कुल सटीक जानकारी होगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल यूपीपी जैसे एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल इन सभी एग्जामों को कवर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो क्लासेस हैं वो भी आती रहती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेट की कि आखिर ये फिजिकल डेट जो है कि लेट क्यों हो रहा है, क्या कारण है। जब भी कोई भी चीज जब डिले होता है, लेट होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल डेट के अभी तक न आने का कारण क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 19 से इलेक्शन प्रारंभ हो रहा है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, 4 जून को। रिजल्ट कब आ रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है 4 जून को आ रहा है, ठीक है। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल 4 जून तक तो आप भूल ही जाओ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ देखने को प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा कट ऑफ देखने को। अगर कट ऑफ निकल भी गया ना, अगर फिजिकल के लिए आपका जो कट ऑफ है, फिजिकल का जो कट ऑफ है, अगर ये निकल भी जाता है ना, तो मैं बता दूं कि आपका जो फिजिकल है, ये जो फिजिकल है इस 4 जून के बाद ही होगा, ठीक है। इस समय 101% की सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूं कि जो आपका फिजिकल होगा वो 4 जून के बाद ही प्रारंभ होगा, क्योंकि देखिए जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मैक्सिमम जो बॉर्डर के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको छोड़ करके अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी वाले जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, इन सभी जितने भी फोर्सेस है सबकी ड्यूटी जो है चुनाव में लगी हुई है। अब आपको बता दूं जितने भी अधिकारी हैं वो इस समय इलेक्शन में पूरी तरीके से व्यस्त है, ठीक है, इलेक्शन में पूरी तरीके से वो जो है व्यस्त हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो कब होगा, 4 जून के बाद होगा। तो यकीनन आपके पास बहुत अच्छा समय मिल गया है, पर्याप्त समय है, आप इतने समय में बड़े आराम से अपने फिजिकल को तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 5 किलोमीटर की रनिंग आप सभी जानते हैं, अभी से ग्राउंड में जाइए और डेली अपना जो भी रूटीन है, ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर भागो, लेकिन आप कम से कम 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड पहले स्टार्ट करिए। प्रारंभ करना बहुत बड़ी चीज होता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले कट ऑफ निकले उसके बाद हम जो है फिजिकल प्रारंभ करेंगे। देखिए कट ऑफ निकलने के बाद आपको फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये 4 जून जो आप डेट देख रहे हो ना, 4 जून के बाद जल्द से जल्द आपका फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल होगा और फिर तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। जुलाई तक ये सारी जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर ली जाएंगी। जुलाई तक आपका जितना भी ये प्रोसेस है आपका जुलाई तक ये समाप्त कर लिया जाएगा और उसके बाद आप जानते हैं कि अगस्त से जो है आपकी न्यू वैकेंसी जो एसएससी जीडी की है ये निकाली जाएगी, ठीक है। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ रही है अगस्त में, तो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी अगस्त में आ रही है तो उसके पहले सारी प्रक्रियाएं जो पहले की वैकेंसी है उसकी कंप्लीट करा ली जाएगी, ये 100% श्योर है, ठीक है। और जुलाई में आप सभी जानते हैं कि आपको जो है बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल, फिर एक कट ऑफ जारी होगा और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा फिजिकल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस आते थे कि सर फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल मैं बता दिया आपका 4 जून के बाद चाहे जब हो सकता है, लेकिन आप सभी तैयारी में लगे रहे और कट ऑफ हो सकता है कि 4 जून से पहले जारी कर दिया जाए, कट ऑफ 4 जून से पहले जारी किया जा सकता है, लेकिन जो फिजिकल है ये आपका 4 जून के बाद ही कराया जाएगा। देखिए ये देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव है, ठीक है, ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और इसमें सभी पार्टियों और सभी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और सब पे जो है काम का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में कुछ भर्तियां हैं जो रुक जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये जो है कि कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जा सकता है 4 जून से पहले, लेकिन फिजिकल आपका 4 जून के बाद ही कराया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।